दास तपस्वी छावनी के महंत सर्वेश्वर दास ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि महंत परमहंस दास को अपने पद से निष्कासित कर दिया गया। दरअसल एक निजी टीवी चैनल के डिबेट शो में राम जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट के ऊपर चल रहे विवाद को तूल पकड़ लिया और बातों बातों में परमहंस ने निर्माण न्यास के पूर्व से बने अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के तमाम आरोपों की छड़ी लगा दी, जिसके बाद यह मामला मीडिया में तूल पकड़ गया और तमाम तरीके का वाक्या सामने आने लगा। मामला इतना बढ़ गया कि महंत नृत्य गोपाल दास के शिष्यों ने महंत परमहंस दास के छावनी तपस्वी पर हमला तक बोल दिया। मामले को बिगड़ता देख स्थानीय प्रशासन ने महंत परमहंस दास को अपनी अभिरक्षा में किसी सुरक्षित जगह पर रख दिया। लेकिन मामला यही नहीं रुका, उसके बाद इस विवाद में नया ट्विस्ट आ गया। वहीं आज तपस्वी छावनी के महंत और परमहंस दास के गुरु महंत सर्वेश्वर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि महंत परमहंस दास के ऊपर तमाम अमर्यादित आरोपों को लाते हुए उन्हें अपने पद से निष्कासित कर दिया है। वो मणिराम छावनी के महाराज जी जो है हम लोगों के गुरु स्वरूप हैं, जो है तो स्वामी नृत्यपाल दास जी महाराज, तो उनको इसने कहा कि उनका दिमाग खराब है। तब गुरु को कोई कहे कि दिमाग खराब है तो वैसे व्यक्ति को रख के क्या करेंगे, इसलिए बहिष्कार के लिए आप लोगों को बुलाए हैं। आपने लिखित रूप से महंत परमहंस जी को आपने बहिष्कार कर दिया है और उनको पद से हटा दिया है? हाँ, हटा दिया लिखित रूप से। और पद से अब कौन होगा इसका उत्तराधिकारी, वो अभी अज्ञात है ना, कौन होगा अभी अज्ञात है। मतलब मूल कारण जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया उसके कारण से आपने उनको हटा दिया है। हटा दिया।